भारत में, जब भारत की भगवती शक्ति को विदेशी राजा रावण, लंका का राजा रावण हमारी जगत जननी भवानी आदिशक्ति माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, बड़े बड़े देवता थे भारत में, पर किसी ने बचाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारा भारत कितना महान है कि विदेशी राजा को भी एक पक्षी ललकार देता है। खबरदार रावण, खबरदार, हमारी जगत जननी भवानी को लेकर जा रहे, खबरदार। रावण से छल किया, रावण ने छल किया, ललकारा, युद्ध हो गया। जटायु जी का युद्ध हुआ, रावण ने छल करके पंखों को काट दिया, शरीर फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया, दोनों तरफ के पंख कट गए तो घाव हो गया। जमीन पर गिरते ही जटायु जी की दोनों तरफ रेत के कण लग गए, रेत के कण सूखने पर और दर्द करने लगे। दोनों पैर ऊपर किए हुए जटायु जी पड़े हैं, राम 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 कहते हुए आर्तनाद करने लगे, रोने लगे। लोग कान भरने वाले गए, कान भरने वालों से सावधान रहना, ध्यान रखना, ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते, ये दूसरों का घर बनता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारे घर में खुशियां नहीं देख सकते, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक। अब पहले के जमाने में तो कान भरते थे, आजकल मोबाइल से भरते। बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं, बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के कान होते हैं। बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं, लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के कान होते हैं। पर भैया, कान भरने वालों से सावधान, ध्यान देना, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक। जटायु जी को भरने गए, जब पंख कट गए, ए जटायु जी, राम 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 क्या लगा रखा था, राम 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 क्या, राम 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 बता, राम जी आ गए बचाने, पंख और कट गए। बड़े सीताराम 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 जपते थे, लो पंखा कट गए, तुम्हारे भगवान नहीं बचा पाए, हलुआ कहां है तुम्हारे भगवान जो सीताराम सीताराम जपते थे। सुनो, बुरा ना मानो जटायु जी, अब कान भरने वाले ने कहा, पंख होते तो तुम कम से कम अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते, अब पंख नहीं है, हो गई दुर्दशा, इसीलिए हम भजन नहीं करते, कान भरने वाले ने कहा। पर जटायु जी का जवाब तुम्हारे लिए, सुनना सिडनी वालों, काम आएगा। जटायु जी आंखों में आंसू भर के कहते, भैया भला हुआ जो मेरे पंखा कट गए, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। कान भरने वाला चौंक गया, क्यों भला हुआ, मुस्कुराते हुए जटायु जी बोले, भैया अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को हमारे पास आना पड़ेगा। पंख होते तो हमें जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो प्रभु की जिम्मेवारी है, वो हमारे पास आएंगे। इसलिए भैया, बड़भागी कौन जो कथा सुने वो बड़भागी, अति बड़भागी कौन जो कथा सुनकर कथा पर चले प्रभु की ओर, वो अति बड़भागी, पर अतिशय बड़भागी कौन प्रभु जिसकी तरफ चले, वो अतिशय बड़भागी, पर परम बड़भागी कौन जो भैया अपने प्राण प्रभु के लिए समर्पित कर दे, वो परम बड़भागी है।